Hello friends, welcome to my YouTube channel Health Consultant. Welcome. अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का रेड बटन दबाइए, उसके बाजू का बेल आइकन दबाइए और हमसे जुड़े रहिए दोस्तों. थैंक यू वेरी मच. हेलो फ्रेंड्स, हाय, कैसे हो आप सब लोग. मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर अली अनवर कुरैशी और आज आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल हेल्थ कंसल्टेंट में. आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल. आज का जो विषय है वो बहुत ही अच्छा विषय है. आज हम एक बहुत ही पॉपुलर टैबलेट के बारे में और फ्लूइड के बारे में, आईवी के बारे में बात करने वाले हैं. टैबलेट, जिस टैबलेट का जो है टीवी पर एड आता है, उस टैबलेट का मैं आज आपको एक बहुत ही अच्छा वीडियो बताने वाला हूँ. उस टैबलेट का नाम है, अगर आप देख पा रहे हैं, क्रोसिन 650. ये जो टैबलेट है फ्रेंड्स, इसके बारे में अगर हम बताएंगे तो इसका टीवी पे ऐड भी है और लेकिन इसका इम्पोर्टेंस क्या है आपको जैसा पता होगा फ्रेंड्स कि क्रोसिन 500 के फॉर्म में भी, एमजी के फॉर्म में भी अवेलेबल है. तो क्रोसिन 650 एमजी का क्या यूज़ है, वो जो मार्केट में आया है क्यों आया है, तो उसके बारे में हम आज डिटेल बात करेंगे. क्रोसिन 650 जो है, इसमें जो कंटेंट है सब में इम्पॉर्टेंट, वो कंटेंट है पैरास्टेमॉल. दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे एक पैरास्टेमॉल का जो वीडियो है YouTube पर, उसको बहुत ही अच्छा देखा जा रहा है. तो उसी की प्रेरणा लेकर मैं पैरास्टेमॉल, क्रोसिन 650, क्रोसिन 500, काल्पल 500, ऐसे बहुत से ब्रांड हैं, फेपेनिल 500, फेपेनिल 650, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी और देने के लिए आया हूँ. काल्पोल या क्रोसिन 500 होते हुए भी 650 की क्या गरज है. अगर समझो 500 में आजकल लोगों को जो है टैबलेट 500 एमजी टैबलेट का भी ज़्यादा जल्दी रिजल्ट नहीं आ रहा है फ्रेंड्स. फीवर वो जो है कम नहीं हो रहा है, सबसाइड नहीं हो रहा है. इसलिए इस कंपनी ने शायद सोचा होगा कि 650 एमजी देने के बाद उसका फीवर और जल्दी कम होगा. तो इसने जो ये सोचा है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि क्रोसिन 650 का रिज़ल्ट जो है बहुत ही अच्छा है, उम्दा है और बहुत ही फास्ट इसका रिज़ल्ट आता है. अगर आपने इस गोली को दिन में 2 से 3 बार भी खाया तो आपका जितना भी फीवर है, जितना भी हाई ग्रेड फीवर है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फीवर आपका 102 फ़ारेनहाइट या 101 फ़ारेनहाइट है, तब भी जो है आपका फीवर इस क्रोसिन 650 एमजी से दोस्तों कम हो सकता है फ्रेंड्स. ये जो है ट्रस्टेड रिजल्ट है. अगर आपका फीवर कम होगा, जैसा मैंने पैरास्टेमोल इंजेक्शन में बताया था, फीवर कम होगा तो बॉडी एक, हेड एक, पेन, एनजाइटी, डिप्रेशन, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रहे हैं फीवर की वजह से, हेलोसिनेशंस, वो सब जो है फीवर कम होने के बाद ऑटोमेटिक सब डिजॉल्व हो जाएंगे. पेन कम होगा, बॉडी कम होगा, सब कम होगा फ्रेंड्स. और आपका कभी कभी हमारे जो सलाइवा होता है, हमारे जो माउथ के अंदर जो जो सलाइवा होता है, थूक होती है, वो कभी कभी हमें कड़ू लगती है, कड़वाहट वहाँ पे जानी जाती है. तो फीवर अगर कम होगा तो वो कड़वाहट भी दोस्तों कम होगी. तो इसीलिए ये जो क्रोसिन 650 का जो ब्रांड है वो बहुत ही अच्छा ब्रांड है. अगर आपको कभी भी फीवर बहुत ज़्यादा हो तो 500 के एवज में आप 650 एमजी पर डायरेक्टली जा सकते हैं फ्रेंड्स. दिन में 2-3 बार आप इसको ले सकते हैं, ऐसा अद्भुत इसका रिजल्ट है. और इसके साथ कभी कभी एंटासिड की ज़्यादा गरज नहीं है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं. कोई व्यक्ति या कोई बच्चा है जिसकी उम्र 14 साल से कम है, उसमें ये टैबलेट जब दे रहे हैं तो उसको कृपया करके आधी दीजिए, आधी 3 से 4 बार दे सकते हैं. अगर फीवर बहुत ज़्यादा है तो एक भी दे सकते हैं. अगर 10 साल से कम उम्र है तो आधी दीजिए. 8 साल से अगर कम उम्र है तो भी आधी टैबलेट आप वापर सकते हैं. मिनिमम 12 से 13-14 साल तक आप आधी गोली दिन में 3-4 बार वापर सकते हैं. अगर ऊपर उसके ऊपर उम्र है, 15 साल के ऊपर उम्र है इसकी किसी व्यक्ति की, तो उसको एक गोली दिन में 2 से 3 बार हम दे सकते हैं. दोस्तों हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं. अगर हमारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो इसे शेयर भी कीजिए
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए। अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसको देखिए ज़रा गौर से। इस पे लिखा हुआ है पैरास्टेमोल नियोमोल आईवी 100 ml, नियोन कंपनी का ये है फ्रेंड्स। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, अगर टैबलेट से कम नहीं हुआ तो इंजेक्शन देते हैं हम, इंजेक्शन से भी अगर कोई फीवर कम नहीं होता तो उसको इस प्रकार का 100 ml का जो है इन्फ्यूजन हम उसको देते हैं। इसमें से हम आधा दिन में से दो बार दे सकते हैं या एक भी कभी कभी हम पेशेंट को देते हैं, अकॉर्डिंग टू डिपेंडिंग ऑन फीवर कितना है फ्रेंड्स। तो होप दोस्तों, फीवर के तो बहुत सारे वजहें हो सकती हैं, इन्फेक्शन है, फिर बाद में राइनाइटिस है, एलर्जी है, कफ है, कोई भी चीज़ों से फीवर आ सकता है। तो किसी भी कंडीशन में आपको फीवर है तो क्रोसिन 650 को ज़रूर याद रखो, या इस ब्रांड की कोई अलायदा टैबलेट, अदर टैबलेट मिलते हैं 650 mg के, तो वो भी आप वापर सकते हैं। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अली अनवर कुरैशी, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।